हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो राधे राधे जी। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आज कटहल की सब्ज़ी। ये छोटे वाले कटहल हैं, तो मतलब ये बड़ा वाला नहीं है, ये जिसे कटहरी बोलते हैं ये वही है, और बहुत छोटी सी है जिसको मैंने काट के उबाल लिया है। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने बना लिया है लहसुन, प्याज, जीरा, काली मिर्च, लौंग और टमाटर का पेस्ट बना लिया है जो कि मैं इसमें डालने वाली हूँ। और यहाँ मेरा कटहल जो है अच्छा खासा लाल लाल एकदम फ्राई हो चुका है, तो इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। और वाकई में ये कटहल की मैंने सब्ज़ी जब बनाई थी तो इसका टेस्ट इतना गजब का आया था, बहुत ही अच्छा आया था। तो चलिए इसको मैं तड़का लगा देती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है जब ये ऐसे मतलब क्या बोलते हैं तला हुआ होता है ना, तो ये ऐसे खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। और तेल में मैंने डाला है तेज़पत्ता, जीरा डाला है और मेथी डाली है। प्याज का तड़का नहीं लगा रही हूँ क्योंकि प्याज मैंने ऑलरेडी पीस रखा है। और हींग डाल दिया है, और इसके बाद में इसमें डाल दिया हल्दी, और जो मसालों को मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो पेस्ट भी डाल दिया है। और इसके साथ डाल दूँगी नमक, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला हुआ है मीट मसाला, मेरे पास रखा हुआ था ना, क्योंकि बाबू बनाता रहता है तो वो रखा हुआ था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मीट मसाला डाल दिया है। और इसकी मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी जिस समय मैं मसाला इसका तैयार कर रही थी, इतनी गजब की खुशबू आ रही थी कि कुछ पूछो ना, बहुत ही टेस्टी टेस्टी इसकी खुशबू आ रही थी। तो चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से मसाले को भून लेती हूँ और फिर इसमें डालूँगी कटहल। लेकिन चावल मैं आज नहीं बनाऊँगी, लेकिन चावल के हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा रसा ज़रूर ज़्यादा करूँगी, क्योंकि चावल मेरा रखा हुआ है। तो फ़िलहाल सब्जी रोटी मैं बनाने वाली हूँ, चावल तो बाद में मतलब फ्राई वगैरह कर लूँगी, अभी तो सुबह सब्जी रोटी हमारी चलेगी। और यहाँ पर बाबू मेरा लेकर आया था बिस्किट और नमकीन, तो वही मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा नमकीन, और फिर इसके बाद आ गई हूँ किचन में अपनी सब्जी देखने के लिए। तो सब्जी हमारी पक रही है, और फिर इसके बाद मुझे हरी धनिया भी साफ़ करनी है, तो हरी धनिया को भी अच्छे से साफ़ करके मैं उसको काट लूँगी। और आटा भी लगाना है, तो मतलब इतना काम अपना चलते फिरते होता रहेगा, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आजकल तो गर्मियों में क्या होता है बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, 5 बजे तो उजाला होने ही लगता है, क्योंकि जब मैं 5 बजे उठती हूँ ना तो मतलब उजाला होना स्टार्ट हो जाता है, और 5:30 बजे उठती हूँ तो अच्छा खासा उजाला हो चुका होता है। तो फिर मतलब यही कहने का मुझे तो लगता है कि आज मतलब इस समय गर्मियों में तो मॉर्निंग तो बहुत कम होती है, सीधे दोपहर ही हो जाती है, क्योंकि 6 बजे से सूर्य भगवान एकदम चढ़ाते हैं, 6, 6:30, 7 बजे तक तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और यहाँ ये देखिए हमारी सब्ज़ी इतनी मतलब इतनी अच्छी लग रही थी, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो ये देखिए है ना, सब्ज़ी हमारी अच्छी खासी तैयार है, और इसमें अब डाल दूँगी हरा धनिया। तो और आज मेरे यहाँ मेरे पति देव से हो गई किच-किच, मतलब मेरे यहाँ का क्या है कि हमेशा हुआ करता है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिन भी ऐसा ना हो कि जिस दिन किच-किच ना हो, और मुझे समझ में भी नहीं आता कि ये किस बात पे होती है, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं, जड़ ही नहीं, पेड़ ही नहीं, शाखा ही नहीं, तो पता नहीं क्यों किस बात पर होती है, मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आता। होता क्या है कि जैसे कभी बच्चे को डांटते और बच्चे को डांटते डांटते उसमें बस बीच में मेरे को चिल्लाने लगते, अरे मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे को डांटे हो तो बच्चे को डांटो, मेरे पर क्यों चिल्लाते हो, है ना। तो ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मुझे भी कभी कभी गुस्सा जब लिमिट से ऊपर हो जाता है तब थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, वरना मैं शांति से सुनती रहती। कहते नहीं कि जब लिमिट से ऊपर हो जाता है तो आदमी को बोलना ही पड़ता है, है ना। और यहाँ ये देखिए सब्ज़ी मेरी कितनी अच्छी लग रही है, और सब्ज़ी को मैं मतलब निकाल रही हूँ ये पतिदेव का नाश्ता के लिए, कि वो नाश्ता भी कर लेंगे अपना, 1-2 रोटी खा लेंगे, और उनकी टिफ़िन में भी
मैं सब्जी को पैक कर दे रही हूँ। तो देखिए मतलब कि जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ तो वाकई में ये सब्जी मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही, खाने में तो गजब का टेस्ट था ही था। यानी बड़े कटहल से ये होता है कि बड़े कटहल से ज़्यादा ये छोटा वाला कटहल जो है बहुत टेस्टी बनता है। अगर गांव में होती तो मैं आपको इस कटहल की पकौड़ी बनाकर दिखाती, तो इसकी पकौड़ी भी या कोफ्ता बनाना चाहें तो बहुत गजब का बनता है, बड़े वाले का बनता है। लेकिन बड़े वाले में वो बात नहीं आती, ये समझ लीजिए अगर इस कटहल को आप बनाते हो तो इसके आगे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में जैसे मीट वगैरह खाते हैं ना, तो वो समझ लीजिए फेल है, ये बात तो आप मान के चलिए। और यहाँ मैंने रोटी भी सेक ली है और रोटी में लगा ले रही हूँ घी, क्योंकि घी मैंने कल शाम को बनाया हुआ था। तो भगोने में क्या होता है कि भगोने में थोड़ा सा बच जाता है जब हम छानते हैं ना, तो छानने के बाद जब छन्नी उसमें रखते हैं तो घी उसमें ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत बच जाता है। तो वही मतलब घी मैंने यूज़ कर लिया है। तो आपसे जैसे मैंने बताया कि मैं कोई चीज़ जल्दी बर्बाद नहीं होने देती हूँ, तो इस तरह से अपना दिमाग लगाकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो हर इंसान ऐसा करता है, मैं ही अकेली नहीं हूँ, हर इंसान करता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी ढोलक, क्योंकि इस समय मेरे को सवार ढोलक का भूत सवार है कि ढोलक मैं बजाऊं। तो ये समझ लीजिए सालों साल हो गया बक्से में पड़ी थी, मैंने नहीं निकाला, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से, जैसे कहते नहीं किसी चीज़ का भूत सवार हो जाए तो फिर आप उसको करना ही चाहते हो, तो वही कंडीशन मेरी भी है। पहली चीज़ तो ये होता है कि मुझे किसी चीज़ की जल्दी लत लगती नहीं है, और लग जाती है तो फिर ये लगता है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। तो ये शाम का टाइम है और दूसरे दिन की वीडियो है, उस दिन की वीडियो फिर मैंने जैसा बताया कि उसी गुस्से के कारण फिर मेरी वीडियो पूरी भी नहीं हो पाई और दिमाग भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो यहाँ पर शाम वाली मैंने लगा ली है झाड़ू, और बोतल खाली पड़े हुए थे तो मैंने कहा बोतल भर के लगा देती हूँ, क्योंकि अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ठंडा पानी तो चाहिए चाहिए होता है, गर्म पानी पिया नहीं जाता। तो और बाबू से बोलती हूँ तो वो करता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत काम करता है, लेकिन कभी कभी नहीं मन होता है तो वो सुनता भी नहीं है, ऐसा भी है, यही की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी नहीं मन होता है तो नहीं भी सुनता है। तो मैंने कहा चलो, वो तो चला गया खेलने, तो मैंने कहा मैं ही फ्री बैठी हूँ तो लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से भर लिए हैं बोतल और इनको ले जाकर लगा दूँगी, क्योंकि अभी आएंगे तो फिर पानी चाहिए होगा। वैसे बोतल फ्रिज हमारी खाली नहीं है, एक दो बोतल लगी हुई है, तो गर्मियों में तो वैसे भी पानी ज़्यादा लगता ही लगता है। तो मैंने कहा कि इसको भी भर के लगा देती हूँ, तो इसको भी मैंने भर के लगा दिया। और जब इसको मैं लगा रही थी तो मुझे दिख गया खीरा, और खीरा दिख गया तो मैं अपने आप पर कहाँ कंट्रोल करने वाली, खीरा ककड़ी कुछ इस तरह की अगर मैं देख लेती हूँ तो फिर मुझे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो इसको लाती हूँ, और मैंने इसको काट लिया है, और काटने के बाद पहले ऊपर का सिरा काटा है और उसको घिस लिया है, जैसे कहते हैं मतलब मेरी अम्मा कहती थी कि इसको घिस लो तो इसकी कड़वाहटपन निकल जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा रियलिटी में होता है, क्योंकि मेरी माता जी तो ऐसे ही बोलती थी कि इसको घिसो तो इसकी कड़वाहट निकल जाती है। तो आप लोग कमेंट करना, मतलब कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग भी ऐसे ही काटते हैं क्या। तो मैंने तो इसको काट लिया है और छील लिया, छीलने के बाद इसको अच्छे से धो लूँगी और इसमें चार फांक करूँगी। चार फांक करने के बाद इसके ऊपर नमक डाल लूँगी सफ़ेद वाला, क्योंकि काला नमक तो ख़त्म हो रखा है, तो सफ़ेद नमक ही डालूँगी, जैसे कि ठेले वाले देते हैं ना, चार फांक करके और उसके ऊपर से नमक डाल के। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खीरा खाने के लिए, क्योंकि मैं तो खाने ही जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खीरा ककड़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। खीरा हो या ककड़ी हो, जबकि ककड़ी से ज़्यादा मुझे खीरा पसंद है, ककड़ी भी पसंद है, ऐसा नहीं है कि ककड़ी ना पसंद हो, ककड़ी से ज़्यादा मुझे खीरा पसंद है। तो और गांव से मेरे आया था, इतना अच्छा खीरा था, मतलब बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं, एकदम पतले पतले खीरे थे, वाह खाने में तो बहुत टेस्टी था। मुझे लगता है 1-1.5-2 किलो था, और सब मेरे खाए गए हुए हैं, कुछ भी नहीं बचा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, और मेरी वीडियो किस लिए नहीं आ पा रही आप लोगों तक, वो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरा एक मोबाइल जो है वो ख़राब हो चुका है, और मैंने बनने के लिए डाला था, यानी कि हो रहा है समथिंग, होली के टाइम ख़राब हुआ था, लेकिन बनने के लिए जब मैंने डाला तो उसने बोला था कि सही हो जाएगा, तब से फिर उसके यहाँ पड़ा रहा, लेकिन अभी तक जो है हमारा मोबाइल सही नहीं हो पाया। तो मोबाइल भी सही नहीं हो पाया, यानी लास्ट टाइम उसने जवाब दे दिया कि अभी तक, मतलब कि अब जो है सही नहीं हो पाएगा, है ना।
लेकिन अब क्या करें, अब दिक्कत हो ही गई, इसलिए मेरी मतलब वीडियो वगैरह डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि होता ये है ना कि हमारा मतलब इसमें का डाटा जो है अब इस समय बहुत जल्दी खर्च हो जा रहा है, और उस वो भी रहता था तो दोनों मिलाकर डाटा चलता था, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब एक का ही डाटा बचता है और 1.5 GB इसमें डाटा लेते हैं तो पूरा का पूरा सब चला जाता है, तो इस समय बहुत समस्या हमारे घर में चल रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, इसलिए मेरी वीडियो जो है प्रॉपर नहीं आ पा रही है ना। तो और फिर थोड़ा सा ये भी चेक करें कि व्यूज़ वगैरह भी नहीं आते तो थोड़ा सा और मोड ऑफ हो जाता है, तो खैर कोई बात नहीं, अब नहीं आते तो नहीं आते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो ठीक है सब चलता है, लेकिन कुछ नहीं, अगर मतलब हम रहें या ना रहें जो भी कुछ है तो भविष्य में हमारी यादें ही रहेंगी, इतना ही सोचकर मैं खुश हो लेती हूँ। वैसे तो हर इंसान हर कुछ चाहता है, लेकिन कहते नहीं है कि हर कुछ चाहता है लेकिन हर कुछ उसको मिलता नहीं, उसकी उसके नसीब नसीब की बात है। कहते कि ये सब चीज़ों में भी कुछ तो कर्म करने पड़ते हैं और कुछ जो होता है ना कि भाग्य विधाता है, तो शायद हमारे नसीब में नहीं होगा, है ना। तो बस मेरा तो यही है एम है कि मैं बस अपना कर्म कर रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है, अपनी तरफ से तो मेहनत मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, है ना, लेकिन नहीं इच्छा है ऊपर वाले की, है ना, तो क्या कर सकते हैं, उसके आगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जैसा वो चाहे। कहते हैं ना कि जिस विध राखे राम ताई विध रही है, तो वही कहानी अपनी भी है, ठीक है ज़िंदगी कट रही है ना। और तो चलिए अब चलती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में हमारी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो भी बेल आइकन बटन के साथ, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।